स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। नाउ स्टूडेंट्स, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख रहे थे, इसके ऑलरेडी हम फोर पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट फिफ्थ और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। बेसिकली इसके बारे में हम मीन्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, पर इसके अलावा हमारी एक या दो इंडस्ट्री और बची थी, तो कुछ अदर इंडस्ट्री है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Then we'll discuss about pollution, means pollution के बारे में discuss करेंगे, type of pollution के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार की जो ये pollution से related या environment से related जो problems हैं, जो जो कि हमारी industry की वजह से create होते हैं, उनके बारे में discuss करेंगे। और at the last of the video we will discuss about the steps to control the environmental degradation, means environment degrade होता जा रहा है, मीन्स आप कह सकते हो पोल्यूट होता जा रहा है, उसे बचाने के लिए उस कौन कौन से स्टेप हमें उठाने चाहिए, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका बार बार आता है। सीबीएसई 2012 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2012 के अंदर। यहाँ पर आपको बताना है कि जिस वक्त 1990s के बाद लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर ली गई थी इंडिया के द्वारा, तो उसके बाद ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इट मींस जो आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आया था, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करेंगे तो इसका मतलब है कार, बस, ट्रक वगैरह तो होता है, बट यहाँ पर ऑटोमोबाइल से मतलब हमारा है जो क्विक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उससे। मीन्स ये तो बात मानते हैं कि कार, बसेस, ट्रक वगैरह होते हैं, ये तो मानते हैं, बट यहाँ पर हम इस मोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर ये लगाएंगे कि इट प्रोवाइड द क्विक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इसके लिए फॉर द गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स, ताकि हम गुड्स को या पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजिली मोड में या इजिली मैनर से भेज सके। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो आपकी इस एरिया के अंदर जाती है या इस फील्ड के अंदर जाएगी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्विक ट्रांसपोर्ट एंड क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स के लिए। नॉर्मली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपको डिफरेंट जो थिंग्स हैं जो कि हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है वो देखने को मिलती है। आप अपने अगर रोड की बात करते हैं तो रोड के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप के ट्रक्स, बसेज, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स या डिफरेंट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स ये आपको देखने को मिलेंगे। और ये सब के सब जो है वो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, हमारे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये सब सारे के सारे जो आप कह सकते हो ऑटोमोबाइल के जो ये थिंग्स हैं ये सारे के सारे। और जिस वक्त से लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई उसके बाद तो हमारे मार्केट में जो मॉडल्स थे आप अलग अलग टाइप के मॉडल्स देखने को मिले। मीन्स एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ पर केवल आपको एक या दो प्रकार के मॉडल देखने को मिलते थे, एंड इट वाज द टाइम बिफोर 1990s, ठीक है, बट 1990 के बाद, मीन्स 1990s के बाद लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया गया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी कोई भी विदेशी कंपनी हमारे इंडिया पे अपना बेसक जो बेस है वो सेटअप कर सकती है। मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो इस वजह से इसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइप के न्यू मॉडल्स जो थे अलग अलग आपस के एरिया के अंदर वो देखने के मिले के लिए मिले मार्केट में। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, आफ्टर द लिबरलाइजेशन मेनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सेट देयर बेस इन इंडिया। मींस बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज थी या एमएनसी कंपनीज थी जो कि दूसरे देश की कंपनीज थी, उन्होंने हमारे इंडिया में अपना बेस सेटअप करना शुरू कर दिया। आज की अगर मैं बात करता हूँ, देयर आर 15 मैन्युफैक्चर्ड कार यूनिट्स एंड मल्टी यूटिलिटी जो व्हीकल्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग कार यूनिट और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से 9 जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स की यूनिट मिलती है, ऐसे ही 14 जो है वो आपको टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स की आपको यूनिट देखने को मिलती है। ये हमारे इंडिया के अंदर आज विद्यमान है, बट अगर मैं बिफोर 1990s की बात करता हूँ तो इतना कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। हमारे इंडिया के अंदर जो मेन हब है वो हब है आपके दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, दीज आर द मेजर सेंटर ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये हमारे इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेंटर्स हैं। तो लिबरलाइजेशन के बाद आपको अगर आप बात करते हो तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ा था कि इससे प्रोडक्शन जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। सेकेंड थिंग, इससे आपको न्यू टेक्नोलॉजी मिलने लगी। थर्ड थिंग अगर हम बात करते हैं, इससे फॉरन जो एक्सचेंज थी वो भी बढ़ने लगी, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा जो फॉरन एक्सचेंज था उसका भी बेनिफिट हुआ।
तो इस प्रकार से ये आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाकी सॉरी लिबरलाइजेशन के इंपैक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हो ऑटोमोबाइल के बारे में। ये एक छोटा सा पार्ट है, इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका यही क्वेश्चन होगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर लिबरलाइजेशन का क्या इंपैक्ट था। अदरवाइज इसके अलावा इसके अंदर से कोई ज्यादा बड़ा खास क्वेश्चन नहीं आता। Now students, we will discuss about the most important point in the part of this chapter, that is information technology and electronics industry. हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। आईटी सेक्टर के बारे में आपको पता है, तो आईटी सेक्टर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है ये, क्योंकि इस चैप्टर से के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, इट कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, छोटा सा ट्रांजिस्टर से लेकर एक बहुत बड़ा मीन्स आपका टेलीविजन हो सकता है, एक टेलीफोन हो सकता है, सेल फोन हो सकते हैं, या टेलीफोन एक्सचेंज की बात कर सकते हैं, रेडार की बात कर सकते हैं, कंप्यूटर उसके रिलेटेड इक्विपमेंट है उनकी बात कर सकते हैं, या किसी भी टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। वो सारा का सारा जो चीज है वो आपका इसी सेक्टर या किसी इंडस्ट्रियल थिंग्स के अंदर आते हैं। स्टूडेंट ध्यान से रखना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके अंदर हर एक प्रकार का ये प्रोडक्ट जो है वो कवर होते हैं, तो ये एक वास्ट प्रोडक्ट को कवर करती है या एक बहुत अधिक प्रोडक्ट जो है ये उत्पन्न करती है। तो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, इसके बारे में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बेंगलुरु से, आज हम बेंगलुरु कहते हैं, इट इज ऑफन टर्म एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं नॉर्मली। ये आपका वन मार्क्स क्वेश्चन बनता है कि विच इज कंसिडर्ड द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज बेंगलुरु या बेंगलोर। स्टूडेंट इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि विच इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो वो भी बेंगलुरु की बात आती है, ठीक है, तो वो भी बेंगलुरु की बात आती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। आज के टाइम में अगर मैं बात करता हूँ तो देर आर 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन कंट्री एंड दे प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डेटा कम्युनिकेशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। हमारे इंडिया में 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जो कि ऑल ओवर इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है, जो कि सिंगल विंडो सर्विस प्लस हाई डेटा कम्युनिकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। इस चीज को आगे हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होते क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर, ये कुछ अदर मेजर सेंटर्स हैं, बट जो लार्जेस्ट मेजर सेंटर है दैट इज बेंगलुरु, वो आपका बेंगलुरु है। यही कारण है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नाउ दिस इंडस्ट्री हैड जनरेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और खासकर वीमेन को अधिक से अधिक यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अबाउट 30% जो टोटल वर्कर्स है ना, तो वो वीमेन के हैं, तो इस इंडस्ट्री के अंदर से आपको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अप टू 31 मार्च 2005 ओवर 1 मिलियन जो पर्संस हैं वो इस आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, ऐसा माना जाता है। सेक्टर हैज बीन अ मेजर अर्नर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। रीजन क्या है? बीपीओ। बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, या आप सिंपल से कॉल सेंटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करता है, क्योंकि जिस वक्त कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करती है तो इंडस्ट्री की कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। जो कॉल सेंटर की मैक्सिमम जो हब है वो हमारे इंडिया में है, मैक्सिमम जो कॉल सेंटर है वो हमारे इंडिया में है, जो विदेशी कंपनी की भी अगर मैं बात करता हूँ तो। इसीलिए जो बीपीओ है एक बहुत बड़ा फॉरन एक्सचेंज अर्न करने का सोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड हम इस क्वेश्चन की देख लेते हैं कि व्हाट आर द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसकी मैं बात कर रहा था, और आईटी की जो सिग्निफिकेंस है इंडिया के अंदर उसके बारे में बात करते हैं। 2011 एंड 12 सीबीएसई के एग्जाम के अंदर आया। सबसे पहले हमारे पास आंसर होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होता क्या है। तो दे आर अ क्लस्टर ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट यूनिट्स, एक ग्रुप होता है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट यूनिट का, जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी जो होती है वो डेवलप करती है, या कह सकते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या अदर प्रोफेशनल जो सर्विस है उन सबको प्रोवाइड करती है। जो वो एरिया होता है वो आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होता है। मीन्स यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, मीन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है जो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आप कह सकते हो अदर जो प्रोफेशनल सर्विस है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो एरिया जो है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहलाता है। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले 30% जो वीमेन है वो इसके अंदर जॉब करती है, ठीक है, तो ये जॉब प्रोवाइड करता है। सेकंड थिंग, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लार्ज कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, ब्रिंगिंग द वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, यस फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में बेनिफिशियल करता है।
एंड अगर मैं बात करता हूँ इससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से जो आईटी सेक्टर जो है वो इंडिया में एक सक्सेसफुल यूनिट माना जाता है या इंडस्ट्री माना जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है या अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आईटी सेक्टर इन इंडिया। ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन बनता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है। स्टूडेंट नो डाउट कि इंडस्ट्री हमें क्या करती है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट प्रोवाइड डेवलपमेंट करती है। मीन्स अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल मैनर से वी आर डेवलपिंग कंट्रीज और इंडस्ट्री की वजह से हमारी जीडीपी भी बढ़ती रहती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। बट स्टूडेंट इसकी वजह से पोल्यूशन भी क्रिएट होता है जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, जिसको अनडिंग नहीं किया जा सकता है। तो नॉर्मली अगर मैं पोल्यूशन की बात करता हूँ तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं। तो इंडस्ट्री जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन, 4 प्रकार का जो पोल्यूशन है वो क्रिएट करती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। 4 प्रकार का जो पोल्यूशन है वो आपकी इस बुक के अंदर डिस्कस किया गया है, एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो नॉर्मली ये 4 टाइप का जो पोल्यूशन है उसके लिए इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। पोल्यूशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो क्योंकि इसके बारे में आपने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस भी किया है, पढ़ा भी है। तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट अगर वहां से भी लिखना चाहते हो तो ले सकते हो, डजंट मैटर। तो नॉर्मली आपको ये 4 प्रकार के पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात करता हूँ तो इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द अनडिजायरेबल गैसेस। गैसेस कौन कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इन सब की वजह से जो होता है वो आप कह सकते हो एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। स्मोक जो कि केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज या ब्रिक किल्न्स या रिफाइनरीज या स्मेल्टिंग प्लांट या आप कह सकते हो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इन सब की वजह से जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है। मीन्स अगर मैं बात करता हूँ किसी भी केमिकल या पेपर फैक्ट्री की, या अगर मैं बात करता हूँ जहां पर ईंटें बनाई जाती है उस किल्न या उस एरिया की, या मैं किसी रिफाइनरी या स्मेल्टिंग प्लांट की बात करता हूँ, या आप फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हो, इन सब की वजह से एयर पोल्यूशन जो क्रिएट होता है और इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है, एनिमल, प्लांट, बिल्डिंग और इवन एटमोसफियर के, आप पूरे एटमोसफेयर की बात करें, हर एक जगह पर इसका एडवर्स इफेक्ट मीन्स बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एयर पोल्यूशन जो है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? ये क्रिएट हो रहा है डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री। तो पहले टाइप का पोल्यूशन आपका ये हो गया। सेकंड टाइप अगर मैं बात करता हूँ वाटर पोल्यूशन, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितनी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो कि रिवर में बगैर किसी अनट्रीटेड मैनर से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उनकी वजह से होता है। और ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो किसकी वजह से होता है? सॉरी, वाटर पोल्यूशन जो है वो किसकी इंडस्ट्री की वजह से होता है? तो इट वॉज डन बाय पेपर, पल्प, केमिकल या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ड्राइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैंडरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो इंडस्ट्रीज है, इन सब की वजह से ये क्रिएट होता है। तो अगर हम बात करते हैं इन सब की वजह से वाटर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। ओके, तो टैंडरीज है वो है आपका चमड़ा उद्योग। ओके स्टूडेंट्स, थर्मल पावर पोल्यूशन ये क्या होता है? अब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर पानी जो होता है वो गर्म होता है, कुछ फैक्ट्रीज के अंदर, खासकर थर्मल प्लांट के अंदर, तो गर्म पानी जो होता है हम उसे बगैर ठंडा किए डायरेक्टली रिवर के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। अब इसकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, अब जब वो डिस्चार्ज होगा तो उसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स मर जाते हैं, ठीक है। तो इन सब की चीजों की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो कहलाता है आपका थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। इसके लिए आपकी एक पॉलिसी भी क्रिएट की गई है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज द नॉइस पोल्यूशन। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं अनवांटेड जो नॉइस होती है उसका हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन के ऊपर भी और एनिमल के ऊपर भी, ठीक है। लगातार मशीन चलती है, जनरेटर चलता है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि व्हीकल्स चलती है तो ट्रैफिक के दौरान में आप अनवांटेड साउंड को देख सकते हो। तो ये साउंड जो होती है वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इरिटेशन क्रिएट होती है, एंगर क्रिएट होता है, या आप कह सकते हो कई बार तो हियरिंग इम्पेयरमेंट भी क्रिएट हो जाती है, और इसके अलावा हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर की भी चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो ये 4 प्रकार के पोल्यूशन जो है वो आपकी इस एनसीईआरटी बुक में डिस्कस किए गए हैं और इंडस्ट्रीज की वजह से ये 4 प्रकार के जो पोल्यूशन है वो क्रिएट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं लैंड पोल्यूशन की बात करता हूँ तो वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन साथ में आपस में जुड़े हुए हैं। जिस एरिया के अंदर वाटर पोल्यूशन होता है तो उसके आसपास की मिट्टी भी खराब होने लगती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में बड़ी बड़ी आपस में माइंस खोदी गई है, तो उसकी वजह से हमारी जो लैंड है वो खत्म हो चुकी है।
तो वो सब जो है वो इससे रिलेटेड है क्योंकि वो सब इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से ये पोजीशंस आपके इंडस्ट्री की वजह से क्रिएट होते हैं। अब स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर्स टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पार्टिकुलेटेड मैटर्स इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक टू द फैक्ट्रीज, जिसके अंदर हम फैब्रिक फिल्टर या इलेक्ट्रोस्पेटिंग स्पेटर्स जो है वो लगा सकते हैं। मीन्स इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो स्मोक स्टेक्स हैं वो हम उसके अंदर चिमनी के अंदर लगा सकते हैं ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एयर को पोल्यूट ना करें। इसके अलावा जो एरोसोल इमिशंस है, जो आप कह सकते हो एयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ऐसे इक्विपमेंट लगाओ जो कि एयर को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। स्मोक का यूज, स्मोक कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि हम ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी जगह हम नेचुरल गैस का यूज करें, उसकी जगह हम ऑयल का यूज करें तो स्मोक ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो सकता है। तो ये ऐसे स्टेप्स है जिनके माध्यम से हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। इसके अलावा मैं वाटर पोल्यूशन की बात करता हूँ कि वाटर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें पानी का बार बार रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार यूज किया उसका है उसको फेंक दिया, डिस्चार्ज कर दिया, बल्कि कोशिश करो कि उसे रीयूज करें, रिसाइकल करें, मीन्स बार बार उसका ऐसा काम करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे एरिया जहां पर आप कह सकते हो कम पानी होता है तो वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो तरीका है वो अपना सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर रिक्वायरमेंट चाहे इंडस्ट्रियल पर्पज की बात करें या डोमेस्टिक पर्पज की बात करें उसे पूरी की जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं हॉट वाटर की बात करता हूँ या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वाटर का उसकी बात करता हूँ, जिस वक्त हम उसको रिवर में डालते हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए, पहले अच्छी तरीके से ट्रीट कर दें, मीन अच्छी तरीके से प्यूरीफाई कर दें, उसके बाद उसे डिस्चार्ज करना चाहिए। तो आपकी बुक के अंदर तीन तरीके दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम इसको इसको ठीक कर सकते हैं। पहला है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि मैकेनिकल मीन से होता है, मशीनों के माध्यम से होता है, जिसके अंदर स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्लूशन एंड सेडिमेंटेशन वगैरह होता है। सेकेंडरी आपका ट्रीटमेंट होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, और टर्सरी जो होता है उसमें बायोलॉजिकल प्लस केमिकल और फिजिकल प्रोसेस होती है जहां पर हम रिसाइकलिंग ऑफ थिंग्स भी यूज करते हैं। इस तरीके से हम ये तीन तरीके हैं जिनके माध्यम से हम पानी को ट्रीट में पानी को एक तरीके से प्यूरीफाई कर सकते हैं ठीक करके, उसके बाद हम रिवर में डिस्चार्ज उसको करें। ये तीन तरीके आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन भी बन सकता है कि हम हॉट वाटर या जो डिफरेंट टाइप का जो वॉटर पोल्यूशन है उसको तीन तरीकों के माध्यम से बिफोर रिलीजिंग द वॉटर हम किस तरीके से उसे ट्रीट कर सकते हैं, तो वो कौन सा तरीका है, तो आपको ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों प्रकार के ट्रीटमेंट डिस्कस करने होंगे। एनटीपीसी जी होता है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके बारे में आपको डिस्कस कर रहा था। तो वो किस प्रकार से नेचुरल एनवायरनमेंट को रोकता है, इस पॉलिसी के अंदर क्या किया है। सबसे पहले इसने कहा है कि हम ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करें जो कि कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे, हमें अपग्रेडिंग जो इक्विपमेंट है उनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एस यूटिलाइजेशन का अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। अब थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो कोल की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से एस जो राख है वो निकलती है, ठीक है, उस एस यूटिलाइजेशन को या एस की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि उसकी वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट ना हो। ऐसे इसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट है उसके आस पास के अंदर आपको ग्रीन बेल्ट क्रिएट कर देनी चाहिए ताकि इससे क्या हो, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट हो सके। इसके अलावा रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, जहां पर हम ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन सब का यूज करते हैं, मीन्स हम ऐश को अच्छी तरीके से जो आप कह सकते हो जो भी राख जो निकलती है उन सबको अच्छी तरीके से यूज करें, तो उसके माध्यम से भी आप कह सकते हो इनकी वजह से नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन पॉलिसी के माध्यम से हम थर्मल पावर प्लांट से के आसपास में जो होने वाला नेचर का हार्म होता है या कह सकते पॉल्यूशन होता है उसे रोक सकते हैं। तो इस पॉलिसी के आप इस कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये सब जो स्टेप्स है वो उठाते हैं। इसके अलावा आप इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग की बात कर सकते हो या आप कर सकते हो रिव्यू या ऑनलाइन डेटा का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मीन्स जो पावर स्टेशन है उनको हम उनकी बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में हमें ऑनलाइन डेटा के माध्यम से आप कर सकते हो अदर आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम ये बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टेप्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अगर ये मेन क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस वक्त हम वाटर की बात करते हैं खासकर हमें वाटर प्रोसेस के अंदर रीयूज को रीसाइकलिंग मेथड यूज करना चाहिए, कम से कम दो से तीन बार हम इसको रीयूज करने की कोशिश करनी चाहिए।
अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करना चाहिए ताकि हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकें। इसके अलावा जिसको कोल्ड वाटर की बात करते हैं, उसे रिवर में डिस्चार्ज करते हैं तो प्रॉपर कूलिंग के बाद उसका यूज करना चाहिए। ओके, देन उसके बाद जो एयर और एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो थिंग्स हैं लाइक आप उसको स्मोक स्टैक वगैरह इन सब का यूज करना चाहिए जिसके माध्यम से एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। Smoke can be reduced by using oil and gas instead of coal. In fact, we have already discussed that. इसके अलावा machinery and equipment, इन सब के अंदर silencer का use करो ताकि हम noise pollution को रोक सकें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम आपका सब industrial जो pollution है उसको रोक सकते हैं या इसके माध्यम से pollution को थोड़ा सा reduce कर सकते हैं। ये कुछ steps हैं। स्टूडेंट्स, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ताकि आप कोई जी रहे तो आप ये 5 पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज ओवर स्टूडेंट्स, सो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग।